एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। और हम ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि आज जो मैच हो रहा है लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे, हम सब ने तो प्रिडिक्शन कर दी है, अब बारी है आप लोगों की ये प्रिडिक्शन करने की कि कौन, आप लोग कौन सी टीम के साथ है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स, कौन लाहौर वाले, कौन कौन है भाई, जल्दी से हाथ उठाओ। लाहौर कलंदर, अच्छा डिवाइड हुआ हुआ है। और जब हम किसी के पास भी, वैसे माइक नहीं है ना, आवाज ही नहीं सही तरह से, एक दफा फिर से जरा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ कौन कौन से, कहाँ है जी माइक? कोयटा के साथ हैं जी, और कोयटा और लाहौर, लाहौर है। मुशी भाई आप भी लाहौर के साथ चले जाएं आज? नहीं, आज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप चेंज नहीं किया करूंगा, नहीं करेंगे। इस दफा मैं पूरा जीतने के चक्कर में हूं, पूरा चांस लूंगा। आपने गेम चलानी है इस मुल्क, गेम चलानी है इस दफा मैंने, क्योंकि पिछली दफा मैं हार के जीतने की कोशिश की थी, मगर यहां पे लोग एक्नॉलेज नहीं करते, जीतने वाले भी एक्नॉलेज करते। मतलब ये जो वर्ल्ड कप के टाइम से मुशी भाई आप डसे हुए हैं, आप अब किसी के हाथ नहीं आने वाले। नॉट ओनली वर्ल्ड कप, एशिया कप भी। थर्ड टाइम इट्स ऑलवेज डिफरेंट, सो यस, थर्ड टाइम यूड बी लकी। एंड इसी के साथ जहां हम बात कर रहे हैं कि आज कौन सा कप्तान लकी होगा, क्योंकि टॉस जो है इट्स ऑल अबाउट लक, आप टॉस जीतते हैं बट उसके बाद आप जीतने के बाद क्या फैसला करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत कम लोगों को पिच रीड करना आती है। सो व्हाट डू यू थिंक, अभी जो ट्रेंड बना हुआ है मुशी भाई, वो ट्रेंड ये है कि टॉस जीतें बॉलिंग करें, ये मतलब हम पाकिस्तान टीम में भी हमेशा यही ट्रेंड देखते रहे, इज दिस द राइट ट्रेंड, वरना या गद्दाफी में रहते हुए एनीथिंग शुड बी चेंज? आई थिंक गद्दाफी स्टेडियम की जो सिचुएशन है वो तो यू डोंट माइंड टू बैट सेकंड, रीजन बिहाइंड दैट ड्यू फैक्टर आजकल होता है यहाँ पे, बट हैविंग सेड दैट, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको कंडीशन, जैसे आपने कहा है पिच को रीड करने के, जिसको जिस टीमों को पास एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, काफ़ी दफ़ा उनको ये बहुत एडवांटेज चले जाता है, और ये बड़ी एक क्वालिटी होती है को पिच को रीड करने के लिए। 2020 में आपने देखना होता है कि जिस तरह आज ड्यू फैक्टर है, हवा चल रही है, चीज़ें ठीक नहीं है मौसम की, तो आप बैटिंग सेकंड करने में आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, डकवर्थ लुईस का जो गेम हो जाता है वो आप समझ के खेल जाते हैं, और फिर सेकंड में जो हवा चल रही होती है आपने किस एंगल से चांस लेना है, पहली बैटिंग करते हुए ये चीज़ें लोग इतना एक्नॉलेज नहीं करते। जो प्रोफेशनल बैट्समैन होते हैं ना, प्रोफेशनल बैटिंग साइड होती है, वो देख लेती है कि हवा इस तरह चल रही है तो इधर से अटैक करेंगे, हम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से दुखे सिंगले मारेंगे, यहाँ पे विकेट नहीं गिरने देंगे, इस तरफ से अगेंस्ट द विंड नहीं मारेंगे, और वहाँ पे फिर बॉलर्स फंस जाते हैं कि आपको मेन बॉलर को उधर से करवाना है, जो आम बॉलर है उधर से फंसेगा तो वो बिल्कुल ही फंस जाता है। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी टीमों को मैचेस नहीं जितवाती, टूर्नामेंट जितवा देती हैं। बिल्कुल, ये जिन जो स्मार्टली प्रोएक्टिवली डिसीजन करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आज के मैच में कदाफी स्टेडियम में आई बिलीव बैटिंग सेकंड इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट यू हैव टू सी योर स्ट्रेंथ फर्स्ट, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ पे रह के आप खेलें, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे रह के खेलें। शाहिद साहब, आपके ख्याल में इस सीजन में लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ बैटिंग आपके ख्याल में लगती है या बॉलिंग ज्यादा मजबूत आपको नजर आती है? देखिए, वो जो फर्क था बॉलिंग का वो राशिद का था, लेकिन मैं समझता हूँ कि तकरीबन ये इसके सिकंदर के आने से तकरीबन वो इशू जो है ना, इसलिए कि सिकंदर की मैंने बॉलिंग काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, वो डिफरेंट उसने चेंज किया अपने आप को, और वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के अंदर बड़े अहम इंपॉर्टेंट जगहों पे विकेट लेके देता है वो, और थोड़ा मिस्ट्री सा है, बॉल छुपा के करता है, ऑफ स्पिन भी करता है, लेग स्पिन भी करता है, तो इतना ईजी नहीं होगा उसको पिक करना, या लास्ट जो सीरीज है मैंने उसकी देखी है, उसको पिक करना इतना ईजी नहीं हो रहा था जो नॉर्मली वो शुरू में जो बॉलिंग करता था उसमें, और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो उसकी बॉलिंग अब उसके आने से उनकी बैटिंग बॉलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अच्छा, शायद सॉरी शायद को मेरे शायद पता ना हो, मुझे भी एंड में पता चला है, ब्रैथविक भी आ गया, कार्लेस ब्रैथविक भी आ गया, और वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वैसे, वो उनके भी पावर प्ले में भी और मिडिल ओवर में लंबा है, बहुत लंबा है, तो वेरिएशन उसके पास भी है, उसका बॉल भी थोड़ा सा बाउंस होता है, पेस नहीं है मगर उसको बॉल खेल खेल के ना उसको भी अंदाजा हो गया, तो लाहौर कलंदर के लिए ये एडवांटेज हो गया, दोनों अच्छी लीगें खेलते हैं, दुनिया की अच्छी तगड़ी लीगें खेलते हैं, और इनको एक्सपीरियंस भी है, तो आई थिंक ये एडवांटेज जाता है बैटिंग में भी, फिर दोनों ब्रैथवर्ट, क्योंकि जो है
बहुत अरसे पहले हमने सुना था रिमेंबर द नेम ब्रेथवर्ड, उसके बाद जरा सन्नाटा हो गया था, मगर अब फिर से वो हमें उरूज पे दिखते हुए आते हुए दिख रहे हैं। मोमेंट जहां हम बात करें, जाहिर सी बात है लाहौर कलंदर्स की, वहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स बहुत सारी थ्रेट्स हैं लाहौर कलंदर के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को देखते हुए, स्पेशली द बोलिंग दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज पुट फॉरवर्ड, किस तरह उसको टैकल किया जाए और हैंडल किया जाए, लाहौर कलंदर्स कैसे हैंडल करती हुई देखेगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा इसी बात से, बॉलिंग अटैक से, कि हमारी इस पीएसएल को, इस क्रिकेट को हमारे फैंस बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो yes. आज के मैच में बड़ा फेस टू फेस जो लोग देखना चाह रहे हैं वो आमिर वर्सेस शाहीन का है। सोशल मीडिया पे दोनों के फैन क्लब्स बहुत एक्टिव हुए हैं दोनों की, और आइडियली हम तो चाहेंगे कि ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से खेलें और इंडिया को हम हराएं, लेकिन ऑफ कोर्स आमिर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आई थिंक लाहौर की तरफ से वही लीडरशिप होगी शाहीन की, व्हिच हैज टू मेक श्योर कि वो ये जो क्वेटा एक गेम जीती भी हुई है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होगा कि वो इसको ठीक तरह टैकल कर लें। बट मैं पर्सनली फैंस को जब सोशल मीडिया पर ट्वीट्स देख रहा हूँ, फैन क्लब्स देख रहा हूँ, वो देख के मुझे बड़ी एक्साइटमेंट आज के मैच की और ज्यादा फील हो रही है, दैट आमिर वर्सेस शाहीन। सोशल मीडिया पे आपने भी नोटिस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब हमें वो देखनी है फियर पेस जो दोनों तरफ से आएगी, वही तो मेजरली आप कहें तो इट इज द फास्ट बोलर शो टुडे एट गद्दाफी स्टेडियम। यस इट इज एक्चुअली, अगर देखा जाए तो मेक सेंस। यस, और ये बात अच्छी मोमेंट ने लाया है प्लेटफॉर्म के ऊपर के शाहीन और जो आमिर अभी दोनों क्रिकेट खेल के है ना एक ही टीम की तरफ से। हाँ। तो मैंने पहले दोनों की बात की है, शाहीन ने जो अपनी इंटरव्यू भी दिया है उसने जो बात की है ना आमिर के बारे में कि आई लर्न फ्रॉम आमिर समथिंग विच इज अ गुड हम्बल स्टेटमेंट, और ये कमिंग फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये आमिर बहुत स्मार्ट है, उनको क्रिकेट का बहुत पता है, उनको अपनी बॉलिंग का बहुत पता है। जब ये इनको इतना पता है तो शाहीन जो कुछ मैचेस खेल के आमिर के साथ आया तो उनको बहुत फायदा हुआ, और इसीलिए मैंने पहले शो में भी कहा था कि 140 की पेस जो वापस आई है तो हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आमिर ने उसको ऐसा बताया हो जो आम कोचेस नहीं बता सकते, क्योंकि आमिर खुद लेफ्ट आर्म सीमर है, उसका भी गेंद अंदर आता है, शाहीन का भी अंदर आता है, तो उसको पता होगा कि कहाँ पे शाहीन को इम्प्रूव करना चाहिए था। तो मैंने थोड़ी सी अलाइनमेंट भी देखी है शाहीन की, वैसे इज मच बेटर देन बिफोर एक्चुअली। लाला आपके पास कोई ऐसी खबर है? देखिए लाला की जेब में क्या है? मोहम्मद ने मेरे पास खबर, मैं तो शाहीन से ऑनेस्टली क्रिकेट की बात करता ही नहीं, वो एक दो दफा उसने मेरी बात नहीं मानी, उसके बाद मैंने क्रिकेट की बात ही करना छोड़ दी। खुद ही सीखेगा, खुद ही सीखेगा, मार मार खा के सीखेगा। मुझे सिर्फ वो जो तंग करती है ना एक चीज, वो उसके जो आगे बॉल करता है ना, मुझे वो पसंद नहीं है जो ऑफ स्टंप पे आगे बॉल करते हैं। एक होता है कि बिल्कुल आगे बॉल, अब तो अब ज्यादातर बैट्समैन उसके रेडी होते हैं बॉल आगे के बॉल के लिए, तो उसको वेरिएशन जरूरी है। 140 के पेस पे अगर आप बाउंसर नहीं मार रहे, बैट्समैन को हिला नहीं रहे, तो मेरा मतलब है कि फिर फास्ट बॉलर का क्या फायदा। फास्ट बॉलर आरएस रूफ को देखा, फास्ट बॉलिंग तेज स्पेस, लेकिन वही आगे मुंह पे गेंदे किए जा रहे हैं, तो इन बातों से थोड़ा सा मैं तंग होता हूँ। खैर वेल, जहाँ तक आमिर की बात है, आमिर अभी तक टॉप क्लास बॉलिंग कर रहा है, बहुत सारी लीगों के अंदर उस लड़के को मैं देख रहा हूँ, चाहे वो नया बॉल हो चाहे पुराना बॉल हो, वो किसी को खुल के मारने नहीं देता। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, हर जगह लीगें होती है, तो रोज़ रोज़ परफॉर्मेंस उनकी एक्सपेक्टेशन वो भी बड़ा मुश्किल काम है, हमें नहीं रखनी चाहिए। तो आई मीन के बहुत कुछ शाहीन ने उसके साथ खेला, एमिरेट्स लीग में खेला जाके आमिर के साथ, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखा होगा शाहीन को। शाहीन की एक अच्छी आदत ये है कि पूछता रहता है, सीखता रहता है, जहाँ समझ आती है कि यार ये बंदा मुझे अच्छी एडवाइस करेगा, इससे सीखना चाहिए, तो उनसे पूछता रहता है। ये अच्छी बात है, अगर आमिर ने उसको बताया या शाहीन ने आमिर से पूछा है, बहुत अच्छी बात है ये।